हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है आज, आप सभी को पता होगा कि बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बाकी कोर्सेज़ के अभी नहीं आई है, तो उनके भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, मैं बता दूंगा जैसे डिक्लेयर होंगे। तो रिजल्ट तो आपका आ गया है, तो जैसे ही आप रिजल्ट अपना चेक करते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रिजल्ट निकालने का, ठीक है। तो जैसे ही आप रिजल्ट चेक करते हो तो इस तरीके की आपकी मार्कशीट ओपन होती होगी। अब कैसे पता करें कि आप पास हो या फेल हो? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो और आपका ये पहला रिजल्ट है, पहली मार्कशीट है जो कि आप अभी देखने को आपको मिल रही है। और कई काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिनको नहीं पता चल रहा कि मैं सर पास हूँ या फेल हूँ, तो कैसे पता चलेगा? तो आज मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ए टू जेड आपको बता दूंगा डिटेल में कि कैसे पता करें कि आप पास हो या फेल हो। मार्कशीट पूरी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सर्वर अभी थोड़े से डाउन हो सकते चल रहे हो, इसी वजह से कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं निकल सकता है। थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे सर्वर ठीक हो जाएंगे आप सो होने लगेगा। अभी फिलहाल बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का आया हो, कुछ समय बाद और कोर्सेज़ के भी आ जाएंगे। तो ये जो वीडियो वो ऑल कोर्सेज़ के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिनको भी जानना है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो पहले जरा मार्कशीट देख लेते, जब भी आप अपना रिजल्ट देखते हो चेक करते हो तो इस तरीके की मार्कशीट आती होगी, वो मैं आपको दिखा। तो देखिए, इस तरीके की मार्कशीट होगी, तो ऊपर का डिटेल हमने काट दिया है क्योंकि उसमें स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स होती है, उसमें आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, वो सारी डिटेल आपकी है, ठीक है। उस डिटेल को बताने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखिए, कैसे पता करें कि आप पास हो या फेल हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये मार्कशीट है, हम थोड़े मार्कशीट के सेशन में जाएंगे। यहाँ हमें पेपर कोड दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट आपने लिए थे, जिनके आपने एग्ज़ाम दिए थे, ये आपके पेपर कोड है, सब्जेक्ट कोड है। यहाँ आपके पेपर के नेम आएंगे, ठीक है। यहाँ आपका पेपर का टाइप आएगा, डीएससी का है, जीई का है, जेनिक इलेक्टिव का, एईसी का है, सैक का है, वैक का है। फिर यहाँ आपका क्रेडिट आएगा। तो जिनको नहीं पता क्रेडिट क्या होता है, देखिए क्रेडिट होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक क्रेडिट होता है, यानी अपना एक पॉइंट होता है। तो मान लीजिए जैसे डीएससी का जो क्रेडिट है वो 4 है, तो ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीके का मतलब सोल ने एक लैंग्वेज बना रखी है कि हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड कीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपके मार्क्स होते हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके थ्योरी के भी, इंटरनल असेसमेंट के भी रहेंगे, और बाकी ये आपके ग्रेड पॉइंट है। ग्रेड पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो आप एग्ज़ाम के अंदर दे के आए हो, मतलब कि जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा उसमें जो भी आपकी ग्रेड बनी होगी, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट A+ आया है, A आया है, B+ आया, A+ आया, B+, A+, A+, यानी कि ये जो मार्क्स आपके बने हुए, ये आपके इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनको मिला के आपकी परसेंटेज बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। और फिर यहाँ पे आपके क्रेडिट पॉइंट है, क्रेडिट पॉइंट होते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो देखिए, क्रेडिट पॉइंट का मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है क्रेडिट पॉइंट का, कि क्रेडिट पॉइंट का मतलब ये है कि आपने जितना स्कोर किया, जैसे A+ का क्रेडिट पॉइंट इन्होंने जो रखा है वो 8 रखा है ग्रेड पॉइंट में, क्रेडिट पॉइंट में इनका जो पॉइंट है वो 32 है। तो इसको नहीं समझना है, हमें समझना है कि हम पास है या फेल है, ठीक है। तो बाकी आप ग्रेड देख लीजिए, हर सब्जेक्ट में आपको ग्रेड काफ़ी अच्छी मिली होगी, मोस्टली स्टूडेंट की अच्छी ग्रेड आई है। अब जब नीचे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पास फेल कैसे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ आपका सेमेस्टर का रहेगा, यहाँ टोटल क्रेडिट पॉइंट रहेगा, इस सबको मिला के टोटल क्रेडिट पॉइंट आपका जो भी रहेगा, इन सबको मिक्स करके जितने भी नंबर आप लेकर आए हो, क्योंकि सोल जो है जो भी आपको नंबर देता है वो क्रेडिट पॉइंट में देता है, तो वो आपको मैं बता दूंगा कैसे समझना है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो CGPA आ चुका है, CGPA इनका आया हुआ है, जो ये स्टूडेंट है 7.73, यानी कि जो इनकी परसेंटेज बनी है वो 70 से अबव बनी है, सिंपल पता लगा 70% से ज़्यादा इनकी परसेंटेज बनी हुई है, यानी कि ये स्टूडेंट पास है। आप देख सकते हो CGPA आ चुका है, यानी ये स्टूडेंट पास है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम पास है या फेल, क्योंकि यहाँ तो कोई मेंशन नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, CGPA आ चुका है, यानी 7.7 है, यानी इनकी जो परसेंटेज है वो 70% से ज़्यादा इनकी बनी हुई है, यानी कि ये पास हो चुके हैं। अब हम सर पता के चले गए कि हम पास है फेल है। देखिए, आप देख सकते हो नेट ग्रेड है, यहाँ भी आपका टोटल ग्रेड बताया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं हमें ऐसा भी कोई ग्रेड नहीं दिख रहा है जिसमें किसी स्टूडेंट को फेल किया गया हो, मतलब A+ मिले हैं, B+ A, B+ A+, A+ B+, काफ़ी अच्छा स्कोर किया इन्होंने। और रिजल्ट वाले सेक्शन में अभी ना तो पास लिखा है ना फेल लिखा, पास फेल तब लिखा आएगा जब आपका दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाएंगे, यानी जब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ जाएगा तब आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा पास फेल आएगा। बट
ये जो मार्कशीट हम पहले नजर में ही हम बता देंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल पास हो चुका है, क्योंकि इसका जो ग्रेड है, यहाँ जो ग्रेड है, यहाँ तो ना तो किसी में इसके जीरो पॉइंट है, जीरो होता है, ना तो कहीं एफ है, एफ नहीं होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ए भी नहीं होना चाहिए, और ना ही आर ए होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, ये तो पास है। देखिए जिनका भी मार्कशीट ऐसा शो कर रहा है, जिनके भी सी जी पी ए आ चुका है, रिजल्ट वाले सेक्शन में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, और आपके सारे ग्रेड शो कर रहे हैं, आपको क्रेडिट पॉइंट भी आपका आ चुका है, ठीक है, और आपको सब कुछ शो कर रहा है कि हाँ मेरा प्रॉपर है, मेरे में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ, यानी आप पास हो, सिंपल है। सी जी पी ए सिंपल है, 70% से ज़्यादा है, 7.7 70% से ज़्यादा, ये तो पास स्टूडेंट की मार्कशीट है। अब जरा फेल स्टूडेंट की मार्कशीट दिखा देता हूँ कि जो फेल है वो कैसे पता करेंगे कि हम किसी में हमारी बैक आई है। जरा मैं दिखा देता हूँ इनकी मार्कशीट। तो देखिए ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है, अब मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनमें इनकी स्टूडेंट की बैक आई है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट में इस तरीके का क्वेश्चन मार्क आ रहा हो क्वेश्चन करके, तो ये टेक्निकल एरर है, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, दोबारा डाउनलोड करोगे आपके वहाँ सब्जेक्ट शो होने लगेंगे, तो टेक्निकल फॉल्ट है वो, उससे दिक्कत नहीं है, बाकी तो आपका जो पेपर कोड है वो शो कर ही रहा है, ठीक है, नेम से कोई मतलब नहीं है। अब जरा देख लेते हैं, देखिए ध्यान से नेट ग्रेड देखते स्टूडेंट को कितने मिले, डीएससी के सब्जेक्ट में इसको मिले डी, यानी पास है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी में क्या मिला, एफ मिला है, एफ मतलब फेल। क्रेडिट क्या बना है, जीरो, यानी इनके जो परसेंटेज है वो 100 में से 40% से इनके नंबर कम आए हैं, इसीलिए ये फेल हो गए, एफ दिया गया है। और क्रेडिट पॉइंट में भी जीरो, यानी एफ नेट ग्रेड में अगर आपका एफ है, ए बी है या आर ए है, और अगर आपका ग्रेड पॉइंट में जीरो और क्रेडिट पॉइंट में जीरो शो कर रहा है, यानी आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। बाकी में आप देखिए किसी में डी है, बी है, सी है, बी है, यानी ग्रेड आ गया है, तो यानी आप पास है। अब आप नीचे जाएंगे, हम देख लेते हैं टोटल क्रेडिट पॉइंट आपका 22 है, और इन्होंने कितने लिए टोटल क्रेडिट पॉइंट, हम अगर हम जोड़ेंगे तो यानी 86 बने हैं, इनका सी जी पी ए बना 3.9, यानी इनका 40% से नीचे है, देखिए 39, यानी 40% से नीचे, यानी ये स्टूडेंट फेल है। और फेल कैसे है, इन्होंने साफ साफ बता दिया रिजल्ट वाले सेक्शन में ई आर शो कर रहा है, ई आर आ रखा है किस सब्जेक्ट में, अभी हम देख रहे थे 23, 22, 20, 11, 01, ये देखिए सेम, यानी कि ये सब्जेक्ट में इनकी बैक आ गई, यानी ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इनको दोबारा से देना पड़ेगा, या ये रिवैल्यूशन भी करवा सकते हैं, या इनको एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। पेपर कब होगा इसकी जानकारी मैं बता दूंगा, फिलहाल ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पास और फेल कैसे आपको चेक करना है। तो सिंपल है पास और फेल का, आप नेट ग्रेड पे देखिए कि क्या आपके नेट ग्रेड पे एफ तो शो नहीं कर रहा है, अगर एफ शो कर रहा है यानी आप उस सब्जेक्ट में फेल। देखिए यहाँ भी एफ एफ शो कर रहा है, इन्होंने असाइनमेंट नहीं दिए थे पर एफ आ गया, बट इन्होंने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया इसीलिए पास हो गए, ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं, अगर आप इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया, अगर आपने थ्योरी को भी क्लियर कर लिया है तो भी आप पास हो गए, आप साफ देख सकते हो। हाँ आपके ग्रेड पे असर पड़ेगा, आपकी जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए इन्होंने एफ है, यानी कि इन्होंने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया था इसलिए इनको एफ दिया गया, यानी इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गए, बट इन्होंने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया जिसके अंदर इनको नंबर मिले और इनकी जो नेट ग्रेड बनी डी बनी। बट अगर मैं बात करूँ ये वाला जो सब्जेक्ट है जिनमें ये फेल हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने इसके अंदर भी इंटरनल नहीं दिया प्लस इन्होंने थ्योरी भी नहीं दिया, इसी वजह से ये भी फेल हो गए। यानी कुल मिला के बात है कि अगर आपका नेट ग्रेड के अंदर एफ शो कर रहा है या ए बी शो कर रहा है या आर ए शो कर रहा है और आपका ग्रेड पॉइंट में जीरो और क्रेडिट पॉइंट में जीरो शो करता है किसी सब्जेक्ट के आगे, और रिजल्ट वाले सेक्शन में अगर उस सब्जेक्ट का ई आर लिख के उस सब्जेक्ट का कोड आ रहा है, यानी आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, पूरे सेमेस्टर में नहीं सब उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा, वो हम बता देंगे कि कैसे आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन मार्क अगर जिनको भी शो कर रहा है वो अवॉइड कीजिए, टेक्निकल एरर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो कि कैसे पता करें कि हम पास है फेल है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया, और बाकी सी जी पी ए निकालने के लिए वो भी मैं आपको बता दूँ कैसे निकालना है। एक्चुअली इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, उसके आपके रिजल्ट के नीचे इसमें दे रखा है, सिंपल है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, 3.9, यानी जो इनकी परसेंटेज है 40 से नीचे, साफ साफ दिख रहा है, और 40% से ज़्यादा चाहिए तो ही आप पास होगी। क्यों हुआ ये, इसलिए हो क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल थे, ठीक है, इसलिए इन ये एक सब्जेक्ट में बैक है, यानी इनका सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट तो पास हो बट एक सेमेस्टर में ये फेल की वजह से कहीं ना कहीं इनकी बैक आ रखी है।
तो ये है सिंपल, यानी इनको जो एग्ज़ाम देना होगा सिर्फ इसी सब्जेक्ट का देना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, सिंपल प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो पास वाली मार्कशीट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं पहले भी दिखा। तो देखिए पास वाली मार्कशीट है बिल्कुल एक, यहाँ पे सारे ग्रेड आ जाएंगे, यहाँ आपका ग्रेड पॉइंट या क्रेडिट पॉइंट आ जाएगा, और रिजल्ट वाले सेक्शन में बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। सीजीपी आपकी इनकी बनी है 5.6, यानी 50% से इनकी ज़्यादा है, यानी ये पास है। सिंपल है, सिंपल मेथड मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आप भी बता पाओगे कि कौन फेल है कौन पास है, अपने दोस्तों की मार्कशीट लेना और उनको भी बता देना कि भाई तू पास है या फेल है। सिंपल एक नज़र में मैं बता सकता हूँ कि कौन फेल है कौन पास है, किस सब्जेक्ट में कौन सा फेल है। वैसे सब में तो नहीं होता, अगर आपके एक से ज़्यादा में तो वो भी रिजल्ट वाले सेक्शन में उनका सब्जेक्ट कोड शो कर जाएगा, ठीक है। और बाकी जिनके भी कोमा 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 लिखा आ रहा है, कोई एरर वाली बात नहीं है, जो ये आपका जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ये एरर है ऑटोमेटिक हो जाएगा ठीक, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।